नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं आपके साथ पल्लवी। पिछले कुछ वर्षों में अगर गौर किया जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत का कद काफ़ी ऊंचा हो गया है। इसी कड़ी में जी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में इस प्रभावशाली समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अध्यक्ष था। जनवरी 2023 में भारत ने ग्लोबल साउथ समिट बुलाई और मई 2023 में जापान के G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही जुलाई में भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विस्तार में शामिल हुआ। और अब भारत का G20 2023 सम्मेलन के मेजबान के तौर में उभर के सामने आना भारत की वैश्विक शाख की स्थिति को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही भारत में संपन्न होने वाले इस G20 सम्मेलन के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे कि विदेशी संबंधों और अर्थशास्त्र के जानकार इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनके अनुसार यह विदेशी निवेश और व्यापार में बढ़त, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आर्थिक रूप से देश के सशक्तिकरण और राजनयिक अवसरों की वृद्धि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐसे में भारत को गौरवान्वित करने वाले इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट बेहद खास प्रतीत होता है, जहां पीएम मोदी ट्वीट करते हुए कहते हैं, द G20 समिट इन इंडिया 2023 विल रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहरहाल 2023 के सितंबर माह की 9-10 तिथि वाकई में देश और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहद खास है, जिसका इंतजार प्रत्येक नागरिक बड़े ही उत्साह और जिज्ञासा से कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ये G20 सम्मेलन भारत, भारत के विकास और भारत के उज्जवल भविष्य के स्वर्णिम मार्ग में कितनी अहम भूमिका अदा करता है। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे JJN News के साथ। धन्यवाद।